Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you. Today our topic is exercise 2B. जी कोई एक स्टूडेंट मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है आपको? ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने ईद से पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था. आज हमने एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें सभी स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय रूल फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द सम. सम फाइंड करना है, हमें एक पैटर्न गिवन है. पैटर्न गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 15. लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन समेशन पैटर्न्स, हमने स्केयर नंबर्स को समेशन पैटर्न्स के अंदर लिखा था. ठीक है, हमने दो पैटर्न्स को स्टडी किया था कि हम किसी भी नंबर का जो स्केयर है उसको हम टू पैटर्न्स में लिख सकते हैं. वो कौन कौन से पैटर्न थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने 3 का स्केयर लिखना है. ठीक है, तो 3 के स्केयर को हम टू फॉर्म में लिख सकते हैं. एक था इसकी फॉर्मेशन थी 3, 2, 1, 2 एंड 1, कि जिस नंबर का आपने स्केयर है उस नंबर को आपने लिखना है सेंटर में और उससे जो छोटे नेचुरल नंबर्स हैं उनको उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है फ्रॉम राइट साइड एंड आल्सो फ्रॉम लेफ्ट साइड. सो इनको प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 9. ठीक है, इस तरह हम किसी भी नंबर को उसके समेशन पैटर्न में लिख सकते हैं. इसके बाद ये इसका फर्स्ट पैटर्न था. सेकंड पैटर्न क्या था कि हम किसी भी नंबर को के जो स्केयर है, लेट्स सपोज 3 का स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते थे 3 का स्केयर है. तो हमने फर्स्ट 3 जो ऑड नंबर्स थे उनको क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे. फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स है, इनको प्लस करेंगे आंसर फिर भी क्या आएगा, 9. ये देखें, ये आपका सेकंड समेशन पैटर्न था. अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमें ये वाला पैटर्न गिवन है, हमें ऑल नंबर्स का जो सम वाला पैटर्न है वो गिवन है. अब हमने इनके समेशन को फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम देखेंगे ये किस नंबर के स्केयर का समेशन पैटर्न है. तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितने और नंबर्स को प्लस किया गया. जिस तरह यहां पर देखें 1, 2, 3, तो 3 और नंबर्स थे, इट मींस दैट कि ये किसका स्केयर है, 3 का स्केयर है. अगर फर्स्ट 4 और नंबर्स होंगे तो हम क्या देंगे, 4 का स्केयर है. लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये टोटल कितने और नंबर्स को प्लस किया गया ये फाइंड करना होगा. तो इसके लिए एक फार्मूला है. ठीक है, तो वो फार्मूला आपने याद रखना है कि आपको एक पैटर्न गिवन हो और आपने फाइंड करना हो कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर्स को प्लस किया गया है. तो वो फार्मूला एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये आपका फार्मूला है. ठीक है, तो ये फार्मूला फर्स्ट आपने राइट करना है. इस फार्मूले को लिखने के बाद आपका लास्ट नंबर कौन सा है, जो पैटर्न में देखें लास्ट नंबर कौन सा है, n इज इक्वल टू लास्ट नंबर आपका 15 है. तो आपने 15 लिखना है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2. सो n को डिवाइड करें 16 को 2 पे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8. हमने n फाइंड कर लिया, n किसके इक्वल है, 8. इट मींस दैट ये जो समेशन पैटर्न है वो किस नंबर के स्केयर का लिखा हुआ है, 8 के स्केयर का लिखा हुआ है. तो हम लिख सकते हैं कि ये जो समेशन पैटर्न है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इनटू सो ऑन 15, ये किसके इक्वल है, ये समेशन पैटर्न किसके इक्वल है, 8 के स्केयर के इक्वल है. सो अब 8 का स्केयर किसके इक्वल होता है, जी बताएं स्टूडेंट्स, 8 का स्केयर किसके इक्वल होता है,
64. सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्केयर से, हमने इस साइड से हमने ये पैटर्न लिखे थे। अब पैटर्न गिवन है, हमने स्केयर फाइंड किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया, अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स लेट आए थे, उनको वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा रिपीट कर दें, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। तो देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखें सबसे पहले, बाय रूल, आपने रूल यूज करना है। रूल मीन कि आपने जो पहले जो समेशन पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे थे, ठीक है, उसको यूज करना है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, आपको जो पैटर्न गिवन्स है इसका आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर अगर याद हो, अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो मैंने इसके लिए ये लिख दिया है कि हमने क्या करना है, किसी भी नंबर का बेटे जो स्केयर होता है ना, उसको हम समेशन पैटर्न में लिख सकते हैं, उसको हम पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर के स्केयर को लिखने के दो पैटर्न है, ठीक है। पहला पैटर्न है कि आपने किसी नंबर, लेट्स सपोज 3 का स्केयर लेना है, तो 3 ये नंबर, उस नंबर को लिखना है और उससे जो छोटे और नंबर्स हैं उनको प्लस कर देना है। तो देखिए, ये 3, ये 2, उससे छोटा नंबर 1, तो आपने राइट साइड से भी प्लस कर देना है और लेफ्ट साइड से भी। तो इन सभी को प्लस करें, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9। So, 3 का स्केयर किसके इक्वल हो गया, 9 के, और इसका फर्स्ट पैटर्न ये है। सेकंड पैटर्न ये है कि आप किसी भी नंबर के स्केयर को लिख सकते हैं ऑड नंबर के सम में। ऑड नंबर के सम का मतलब है कि अगर आपने 3 का स्केयर लेना है तो आपने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को प्लस करके लिख देना है। इसी तरह अगर आपने 4 का लेना है तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, पैटर्न दे दिया, ये वाली चीज दे दी है। उसने कहा है कि आप बताएं इसका सम किसके इक्वल होगा। हमें पता है कि ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, ये ऑड नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ है, और ऑड नंबर्स का जो पैटर्न है वो किसी ना किसी नंबर के स्केयर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये कितने ऑड नंबर्स को प्लस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखें 1, 2, 3 ऑड नंबर्स को प्लस किया गया तो 3 का स्केयर है। अगर 4 ऑड नंबर होते तो ये 4 का स्केयर होता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये टोटल इसके अंदर कितने नंबर्स को प्लस किया गया है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो लास्ट नंबर क्या है, 15। सो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 15 को 1 में प्लस करेंगे 16 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर है 8। इट मींस दैट कि ये फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स को क्या किया गया है, प्लस किया गया। तो फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसी नंबर 8 के स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। तो जितने ऑड नंबर्स होंगे उतने ही उसके नंबर्स का स्केयर होगा। तो 8 का स्केयर, तो 8 का स्केयर किसके इक्वल होता है बेटे, 64। इस तरह हमने आंसर फाइंड करना। इसका हम एक और क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए 4 का बी पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए बी पार्ट में आपको इसी तरह का पैटर्न दिया हुआ है, 1 + 3 + 5, सिर्फ लास्ट नंबर चेंज है, 1 + 3 + 5 + so on + 27, ठीक है। ये आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे कि ये कितने टोटल नंबर्स को प्लस किया गया है। तो इसके लिए क्या था फार्मूला, लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट नंबर आपका क्या है, 27 + 1 /
2. 27 plus 1 answer is 28 divided by 2. So 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 14. So n is equal to 14. n हमने फाइंड कर लिया, n किसके इक्वल है 14. इस मींस दैट कि इस समेशन पैटर्न के अंदर टोटल कितने नंबर्स को प्लस किया गया है, 14 और नंबर्स को प्लस किया गया है. तो अब आप क्या करेंगे, ये समेशन पैटर्न है 1 + 3 + 5 + 27, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट 14 ऑड नंबर्स हैं. आप वैसे भी देख सकते हैं ये फर्स्ट 14 ऑड नंबर्स हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 14 के स्केयर के, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो उतने ही ऑड नंबर्स के सम के इक्वल होता है. सो 14 का स्केयर लेके आंसर आएगा जी 196. ठीक है शाबाश, ये आप 196. सर ये 1 से होगा या 2 से? जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. आ रहे हैं तो सर ये 2 से होगा कि 1 से होगा? दोबारा बताएं आपका क्वेश्चन, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही. आपने लास्ट नंबर को 1 में प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है. ठीक है, तो लास्ट नंबर आप देखें 20. ओके सर, ये 2 में डिवाइड होगा? जी 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 14 आ जाएगा. जी सर, ओके. अच्छा, इसके बाद ये इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरह आपने, बिल्कुल आपने ये फार्मूला लिखना है, लास्ट नंबर लिखना है, उसके बाद जो भी लास्ट नंबर हो यहाँ से एन निकालना है, उस नंबर का आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है. ठीक है, तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है वो. आप 99 है तो 99 में आप 1 प्लस करें 150 आएगा, 50 का स्केयर ले लें आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इफ 35 का स्केयर, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 35 इसका स्केयर इक्वल है 1225. Then find the square of the following numbers. हमें ये स्केयर उसने पहले निकाल कर दे दिया है, हमने इसको ही यूज करते हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके स्केयर्स को फाइंड करना है. तो देखें 0.035 जी, इस नंबर का हमने स्केयर फाइंड करना है. अब क्वेश्चन के अंदर देखें यहां पर 35 का स्केयर उसने निकाल कर दे दिया, 35 का स्केयर आप भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा. अब इसको ही यूज करते हुए हमने इसका स्केयर निकालना है. अब हमने क्या करना है, स्केयर में तो वैसे क्या करते हैं, 35 का स्केयर है तो 35 को उसने 35 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया. अब नीचे भी ये क्वेश्चन है, इसका भी हमने स्केयर फाइंड करना है, तो इट मींस दैट कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऊपर उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसने कहा कि इफ 35 का स्केयर इज दिस, ठीक है, 1225, Then find the square of this number. So it means that कि हमने इसी को use करते हुए नीचे वाले का square find करना है. इसके अंदर हमने multiplication को perform नहीं करना. क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें जिस number का हमने square find करना है उसके अंदर numbers देख लें 35 ही है, सिर्फ zeros का addition है. ठीक है, आप किसी भी part में देखें आपके हर part में 3 और 5 है, इसके अलावा कोई number नहीं है. ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. अब देखें इट मींस दैट कि सिर्फ ये क्या होगा, पॉइंट्स की शिफ्टिंग होगी. ये पॉइंट है तो नंबर्स की सिर्फ शिफ्टिंग होगी, नंबर्स यही रहेंगे, सिर्फ आपने पॉइंट्स और जीरो को ऐड करना है. तो देखें स्केयर क्या होता है, स्केयर में हम क्या करते हैं, स्केयर में हम उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.035. अब देखें इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं बताइएगा, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. 3 डिजिट्स हैं. अब देखिए जी 1000 आएगा. अब 35 का स्केयर तो आपको पता क्या आएगा, 35 का स्केयर तो हमें पता यही आएगा, ये तो हमें पता है ना, ये जो इसमें 35 है उसका स्केयर उसने क्वेश्चन में बता दिया ये है. अब इसके बाद देखें ये 0 है, इसके साथ 1 0 है. जब 0
या एक नंबर का स्केल लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, अब थ्री डिजिट्स हैं तो थ्री डिजिट्स का जब स्केल लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिक्स डिजिट्स। स्केल में डिजिट्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, अब देखिए पॉइंट आपने लगाना है तो इस पॉइंट के बाद अब थ्री डिजिट्स हैं तो आंसर में कितने डिजिट्स होने चाहिए, सिक्स। तो सिक्स डिजिट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, टू जीरोस को ऐड कर देंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6, सिक्स जीरोस हो गया, तो ये समझ नहीं आई, और ये जीरो, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद जी इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, पॉइंट्स और जीरो को अरेंज करना है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है आपने। ये देखिए अभी एक और पार्ट करते हैं, देखें 0.35 है जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा, ये देखें 0.35 हमें पता है 35 का स्क्वायर तो 1225 है, ये तो हमने लिख लिया। अब आप बताएं, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, ऊपर वाले को पार्ट को देखें, ये देखें ऊपर वाले पार्ट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, थ्री, तो हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को बनाया, सिक्स, थ्री। इसी तरह यहाँ पर देखें 35, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, फोर, और हमें ये डिजिट्स दिए हुए हैं, इस मीन डैड के पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें फोर डिजिट्स ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्योंकि हमारा आंसर ही फोर डिजिट्स 0.125 पर 07 आ जाएगा, 0.1225। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सी पार्ट, हां सर आवाज में सही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके माइक म्यूट करता हूं, अगर किसी जी, अब आपने टेक्स्ट में आप बताना है, आपको आवाज ठीक आ रही है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या है कि इफ 35 का स्केयर इज इक्वल टू 1225, हमें वो एक नंबर 35 उसका स्केयर बता देता है कि वो इसके इक्वल है, और नीचे 35 से ही रिलेटेड कुछ पार्ट्स दे देता है और वो कहता है कि इन नंबर्स के स्केयर्स आप फाइंड करें। आपके हर क्वेश्चन में 35 ही आ रहा है, 3 और 5 ही आ रहा है, ठीक है, और साथ क्या आ रहा है, जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स आ रहे हैं और जीरो आ रहा है। इट मींस दैट कि क्योंकि अब 3 का स्केयर लें या 3.0 साथ कोई नंबर आ जाए, आप 3.5 इसका स्केयर लें या 35 का स्केयर लें, आपके इन दोनों के जो स्केयर हैं उनमें नंबर्स तो सेम आएंगे, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ पॉइंट्स की शिफ्टिंग का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यही हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स को लगाना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हमें पता है। ये देखें 35 का स्केयर क्या आता है, 1225। अब हमने इसका स्केयर लेना है, हमें पता है कि इसके स्केयर में कितने, 35 का तो स्केयर आ जाएगा 1225, ठीक है, ये 1225, और इसमें कितने डिजिट्स हैं, फोर डिजिट्स हैं, लेकिन पॉइंट के बाद आप यहां पर देखें कितने डिजिट्स हैं, थ्री डिजिट्स हैं। अब पॉइंट के बाद अगर थ्री डिजिट्स हों और उसका स्केयर लेते हैं, तो स्केयर का मीनिंग पहले समझे, स्केयर में हम क्या करते हैं, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्केयर में डबल कर देते हैं, अगर थ्री है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, सिक्स। तो ये देखिए फोर तो आपको आंसर में दिए हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स डिजिट बनाने के लिए दो जीरोस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसमें देखें 0.35 का स्केयर है, अब देखिए 35 का हमें पता है, पहले आप 35 का स्केयर लिख लें, ये लिख लिया, अब आपने पॉइंट सिर्फ लगाना है, पॉइंट देखें 35, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए, 4, ये ऑलरेडी 4, इट मींस दैट कि हमें 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। अब देखें 3.5, इसका आपने क्या लेना है, स्केयर लेना, 3.5 का स्केयर जी, 3.5 का जब आप स्केयर लेंगे तो देखें आप पहले तो मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, 3 और 5 है, नंबर्स तो सेम आएंगे, ये देखें आपने आंसर लिख लिया जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1225, आपने वो लिख लिया। अब आपने पॉइंट लगाना है, सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए आप देखें
पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? वन। जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप जब स्केल लेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो जाएंगे? टू डिजिट्स हो जाएंगे। तो पॉइंट आपका कहाँ पे आना चाहिए? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? टू। तो आपका पॉइंट सेंटर में आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? टू होने चाहिए। बस ये आपका आंसर है। इसके बाद लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट देखें, 350 दिया हुआ है। नंबर तो वही है ना, 35, 70 है। अब जीरो उसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट नहीं है तो आप देखें 350 का स्केल लेंगे। 350, 35 का स्केल क्या होता है वो आप लिख लें। 35 का स्केल तो हमें पता है, 35 का स्केल क्या है? 1225। ठीक है, अब पॉइंट था तो हम जीरो कहाँ, किस साइड पे लगाते थे? लेफ्ट साइड पे। अब पॉइंट नहीं है तो जीरो किस साइड पे आएगी? राइट साइड पे। तो देखिए जीरो है तो इसके बाद स्केयर में क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। जिस तरह आप देखें 10 का स्केयर लें तो 10, अब देखें 1 का स्केयर 1 तो 0 का क्या होगा? 0 डबल हो जाती है। 10 का स्केयर 100 तो 0 7 ऐड हो जाती है। तो एक जीरो थी तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 2 जीरोस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्केयर फील्ड। आपके ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि हम स्केयर फाइंड कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड हैविंग ईच साइड इज, अच्छा टाइम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 फिर आपने होमवर्क में कीजिएगा। स्केयर फाइंड करना है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर आपने 44 का स्केयर ले लेना है तो आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपने 26 का स्केयर ले लेना, आंसर आ जाएगा। ओके सर, मुझे डी वाला नहीं आया समझ। डी वाला आपका क्या है? डी वाला पार्ट सर, ये जो डी वाला है 350 का आपने स्केयर लेना है। आपको पता है सर, सुबह दोबारा करा देना। ये क्वेश्चन में 35 का स्केयर दिया हुआ है, 7 35 का स्केयर क्या दिया हुआ है? 1225, वो आपने लिख दिया। अब क्योंकि 35 के साथ जीरो है तो स्केयर में क्या होती है? जीरो डबल हो जाती है। तो आपकी राइट साइड पे जीरो है तो आपकी जो जीरोस हैं वो राइट साइड पे आपने डबल कर देनी। एक जीरो है तो आपने 2 जीरो लगा देनी। ओके सर जी, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। आपने अल्लाह हाफिज़ सर कर लेनी है। ओके सर।